बार मानदर पैनल जीतेगा और हम आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि आप क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके पैनल को जिताने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे मौजम अली बॉम्बे मेडिकल स्टोर, वो भी नॉमिनेशन फाइल किए। फारूक पंजा है, वो भी आपके पैनल के लिए काम कर रहे हैं। वो दाल मिल एसोसिएशन की मीटिंग करते हैं, आप लोगों के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं तो रहा सोशल एक्टिविस्ट, चलते फिरते बोल रहा हूँ मानकर पैनल को सपोर्ट कीजिए, मानकर पैनल के लोगों को वोट डालिए। जब इतने लोग करें तो आप जीत कर आएंगे, 100% जीत कर आएंगे। मैं यकीन वो करता हूँ प्रशांत मानकर, जो ऊपर बैठे से पूरे जो साथी है 24 है और बाकी का जो है ना गुलबरे के इलाइट लोग हैं। पहले हम मोफिशियल में चिश्ती को वोट डालते, पहले हम चिश्ती को वोट डालेंगे, बाद में जो है ना हम रामचंद्र को डालेंगे और घंटी साहब को डालेंगे, बारेल तीनों को तीन हम चुना के भेजेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, उमाकांत निगुड़ी का वादा है। मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, मैं आपको वायदा दिलाना चाहता हूँ, जो भी जो है ना आज गुलबर्गे में हो, हैदराबाद कर्नाटक में हो, जितने भी प्रॉब्लम है, आप रात को 2 बजे आओ, प्रशांत मानकर को उठाओ। उसका पिताजी भी जो है ना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत काम करे तो है। आज जब तक, मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, जब तक हैदराबाद कर्नाटक का चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लीडर स्ट्रांग नहीं रहते, जब तक जो है ना FKCCI के लीडर स्ट्रांग नहीं रहते, और हमारा जो सेंट्रल में जो रिप्रेजेंटेट करने वाले हैं फिक्की के जो है ना लीडर स्ट्रांग नहीं रहते, हमारा हक के लिए हम नहीं जो है ना नहीं लड़ सकते। हमारा पैनल को क्लीन स्वीप करो, मतलब है 24 के 24 जो है ना 21 तारीख के रात को 12 बजे रिजल्ट आता, उस टाइम पे जो है ना 24 के 24 कौन चुन के आए बोले तो प्रशांत मानकर का पैनल वाले चुन के आए। और प्रशांत मानकर के पैनल में मैं आपको वायदा करता हूँ, निजामुद्दीन चिश्ती का नाम वहाँ रहेगा। धन्यवाद। 15 दिवस ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೂಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಇವತ್ತು ನಿಜಾಮೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ। ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವೆ। ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನಿಜಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನಿಜಾಮಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಬರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಉನ್ಕೊ ಮೈನೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಖಡೆ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಲೇ ಬುಲಾಯಾ ಥಾ। ಓ ಜಬ್ಸೆ ದೋ ಬಾರ್ ಹಮ್ನೆ ಬಹುತ್ ಟ್ರೈ ಕಿಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೊ ಜ್ಯಾದಾ ಟಚ್ ನಹೀ ಥಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೇ, ವಹಿ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಇರ್ಫಾನ್ ಭಾಯಿ ಥಾ, ಉನ್ ಚುನ್ಕೆ ಆಯಾ ಉನ್ಕೊ ಥೋಡಾ ವೋಟ್ ಸೇ ಉನ್ನ ಹಾರ್ ಗಯಾ ಥಾ। ಇಸ್ ಬಾರ್ ಕೋಯಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ನಹೀ, ಇಸ್ ಬಾರ್ 100% निजामुद्दीन चिश्ती जीत के आएगा और प्रशांत मानकर का पूरा पैनल जीत के आएगा। अभी अभी मेरा भाई साहब बोला जो डायलिसिस के बारे में, हमारे यहाँ पे डायलिसिस, आपको एक बात बोलता हूँ, मैक्सिमम अभी जो डेली हमारे पास 10-12 पेशेंट्स का डायलिसिस हो रहे, वो चैरिटेबल में हम डायलिसिस के लिए कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, उनको फ्री में कर रहे हैं। और उसमें मैक्सिमम साहब आपको बोलता हूँ, आप आके देखिए, कोई ऐसे जात के हम नहीं देखे, सभी जात के हैं, और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बहुत से बहुत लोग हमारे पास ये डायलिसिस कर ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो है ना अच्छे एक कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा एक हॉस्पिटल के बनाए हमने, ये बेंगलोर और तुम कहीं भी गए तो भी ऐसी एक सेंटर, इतना फैसिलिटीज़ कहीं भी आपको मिलने के चांसेस कम है, उतना अच्छा हमने ये सेंटर एक मंदिर एक मस्जिद के जैसा हमने बनाया है। कभी आपको समय मिले तो आप आके देखिए, हमने पूरे हमारे भावनाएं उसमें डाल के हम ये जो बनाए हैं, ये हमारे सोशल वर्क में है। इसके लिए उन्होंने मेरा भाई साहब बोल रहे थे, इसके मैं आपको भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक बार आके देखिए, बहुत अच्छा सेंटर हमने बनाया है। तो इस बार मैं प्रेजिडेंट की पोस्ट पर पद पर हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारी गुजारिश यही है कि हमारे पैनल के जो लोग हैं सब सेक्टर्स के इंक्लूडेड है, जैसे फार्मा है, दाल मिल है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, CA साहब है, और जो भी ये हमारे बिजनेस के ताल्लुकात रखते हैं सब एक डबल रोल, जैसे रियल एस्टेट में भी है और फार्मा भी है।
और कुछ लोग तो ऐसे है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो है वो भी उसमें हमारे साथ है। हमारी एक टीम जो है ना, सब बड़े हमारे बुजुर्ग लोग मिल के हमारे के एक अच्छा सा एक पैनल बना के हमारे कंटेस्ट करने का एक मौका दिया से है। हम इसको सदियों उपयोग करके एक अच्छा सा काम करने के हम एक इरादा रखते हैं। और जो भी आपके जो समस्या रहती है, आप कभी भी हमारे को आके बोले तो हम आपके साथ होके आपके साथ में जो भी ऑफिशियल काम है या डिपार्टमेंट से काम है, हम वो सब साथ में करके वो सॉल्व करने का एक आश्वासन देते हैं। हमारे को एक 2 साल के टर्म रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। हम उसमें झगड़ते बैठे बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, काम नहीं होता। तो आज लोगों को काम होना है, जैसे भी करो काम करने का है, इससे विचार रखते हैं। ऐसे कंपलसरी वोटिंग करके हम एक सिस्टम चेंज करें इलेक्शन का। तो ये सब हमारा एक अवकाश जो सेक्रेटरी दिए से, अब इसी तरह से मैं आगे भी प्रेसिडेंट होके काम करने का मेरे एक इरादा है। इसलिए आप सब गुजारिश करता हूँ कि हमारे पूरे पैनल प्रेसिडेंट से लेके पूरे मुफस्सिल निज़ामुद्दीन जो 5 नंबर के हैं, सब पूरे को वोट करके हमारे पैनल को जिता के ला सकते हो। शुक्रिया सर। मैं यकीन वो करता हूँ प्रशांत मानकर, जो ऊपर बैठे से पूरे जो साथी है 24 है और बाकी का जो है ना गुलबरे के इलाइट लोग हैं। पहले हम मोफिशियल में चिश्ती को वोट डालते, पहले हम चिश्ती को वोट डालेंगे, बाद में जो है ना हम रामचंद्र को डालेंगे और घंटी साहब को डालेंगे, बारेल तीनों को तीन हम चुना के भेजेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, उमाकांत निगुड़ी का वादा है। मैं इस बार जो 4 दिन जो बचे, 4-5 दिन जो बचे, मैं केवल इवन मेरा भाई का बेटे का भी मैं जो है ना व्हाट्सअप में जो है ना इलेक्शन कैंपेन नहीं किया, उसके बारे में बताए नहीं, लेकिन मेरा व्हाट्सअप देखो, मैं चिश्ती के बिना इवन प्रशांत मानकर को नहीं, चिश्ती के बिना मैं किसी को भी जो है ना व्हाट्सअप में आज जो है ना फॉरवर्ड नहीं किया। आप लोगों को विनंती करता हूँ मैं, पूरे आप लोग डालते हैं मेरे को मालूम है, आप पूरे लोग जो है ना चिश्ती को वोट डालने वाले जो ऊपर बैठे सो लोग, जो जितने भी लोग है प्रशांत साहब ऐनरी नहीं एलेक्ट आगे अंतंद हांग नोडक हो बैठ रही हूँ, इट इज़ योर ड्यूटी पप्पा, आपका ड्यूटी है उमेश शेट्टी पप्पा साहब काफ़ी है, ये पूरे लोगों का ड्यूटी है। चिश्ती साहब को जो है ना हम चुना के भेजेंगे। अब आइए, हमारे एक बहुत बड़े अहदेदार यहाँ पर बैठे हैं, रविंदर जोशी साहब, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आए, तो उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पे बैठे सो सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, और मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी व्यापारी मित्रों को मेरा नमस्कार। निज़ाम को जब मैं व्हाट्सएप में मैसेज डाल के भेज रहा था आज सुबह, निज़ाम एक वर्ड पूछा मुझे, मैंने उसको बताया नहीं 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 ये वर्ड मत डालो, ये वर्ड डालो तुम, और मैं खुशी से मैं बोलता हूँ और छाती पे हाथ रख के मैं बोलता हूँ, जो भी मैं निज़ाम को बोलूँगा वो निज़ाम फॉलो करेगा। और सभी लोग तो आपको रिक्वेस्ट करें आप अपना वोट डालिए बोल के, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना वोट डालिए, साथ ही साथ आपके जो हिंदू दोस्त हैं एक हो दो हो उनको फोर्स करके डालने लगाइए, तब क्या होता है 300, 400+400, 800+another 400, 1200 वोट्स आराम से निज़ाम घर में बैठे से भी जीत के आता है सब। मैं और एक बात मैं बोलना चाहूँगा निज़ाम के बारे में, निज़ाम जब चितापुर तालुका का प्रेसिडेंट बना, बनने से पहले मेरे पास आया था, अंकल मैं प्रेसिडेंट बनना चाह रहा हूँ, बोला अच्छी बात है बेटा तू जा आगे जा, क्योंकि मैं उसका पिताजी और मैं क्लासमेट हूँ, मैं क्या बताया इनको तू जा आगे जा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाद में क्या होगा, पहले शाबत वाले थे, उसमें शाबत वाले अलग हो गए, चितापुर का अलग हो गया, तो चितापुर का ये प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान नहीं था, वो सभी चितापुर के तालुका को लेके आके वो एक आए तो एक जाने वाले, एक आए तो एक जाने वाले, वो 70-80 लोग मिलते ही नहीं थे कभी भी, उनको एक जगह ला के उसको फिर यूनाइट करके इलेक्शन करिए वो लोग, हालांकि इन्होंने मेहनत किया लेकिन खुद प्रेसिडेंट बनते बोल के नहीं गया, वो इलेक्शन करके वो खुद बाद में उसको चुन के लेके आए, और बाद में वो उसका काम देख के वो चितापुर तालुके में उसको रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन बनाए,
और सही बोलता हूँ मैं, कोरोना में जितना गुलबर्ग में हम लोग काम करे हमारे एसोसिएशन के, उतना ही काम निज़ाम चितापुर में किया। आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि सिर्फ ना सिर्फ चैम्बर के मेंबर्स बल्कि उन तमाम छोटे जो कारोबार करने वाले हैं जो आपके मेंबर्स नहीं हैं कॉमर्स, उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी भी उनको उनका भी तहफ़ होना चाहिए। छोटे मोटे जितने भी कारोबारी हैं आज वो बहुत परेशान हैं। पहले तो कोविड आया, कोविड आने के बाद मुख्तलिफ लोग जो है अलग अलग कारोबार करने वाले कारोबार करने वाले लोग दुकान खोल कर बैठ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे हैं, उनका कोई कारोबार नहीं हो रहा है। ऐसे दुकानदारों को, ऐसे छोटे मोटे कारोबार वालों को उनकी भी तहफ़ होना चाहिए, आप उसकी नुमाइंदगी करना चाहिए। सुना कि मानकर साहब जो है हमारे इस रियासत के चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, काम बहुत आसान होगा। तो ऐसे आप चैम्बर अब जीत कर आएंगे, जीत कर आने के बाद इस तालुक से भी आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को आप एक नुमाइंदगी कीजिए ताकि हमारे जो कारोबारी छोटे मोटे कारोबारी उनकी भी तहफ़ हो, उनका भी प्रोटेक्शन हो। और हमारे गोलकुंदी साहब इलेक्शन जीत गए थे गुज़िश्ता इलेक्शन में, जिस तरह से गोलकुंदी को इलेक्शन को जिताया था उसी तरह से यहाँ पर निज़ामुद्दीन चिश्ती को, मैं तमाम जितने भी यहाँ पर पैनल के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस बार निज़ामुद्दीन चिश्ती को वोट डालिए। और रही बात मानकर पैनल की, मुझे यकीन है कि मानकर पैनल ही जीतेगा। आप लोगों को मैं यकीन भी दिलाना चाहता हूँ इस बार मानकर पैनल जीतेगा। और हम आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि आप क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पैनल को जिताने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मौजम अली बॉम्बे मेडिकल स्टोर, वो भी नॉमिनेशन फाइल किए थे, लेकिन आपके लिए आपके पैनल के हक़ में जो है वो विड्रॉल किए हैं। और ना सिर्फ वो अपना नॉमिनेशन को विड्रॉ किया है बल्कि वो मेडिकल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के एक मीटिंग में जो है आपकी पैनल के सपोर्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे फारूक पंजा है, वो भी आपके पैनल के लिए काम कर रहे हैं। वो दाल मिल एसोसिएशन की मीटिंग करते हैं, आप लोगों के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं तो रहा सोशल एक्टिविस्ट, चलते फिरते बोल रहा हूँ मानकर पैनल को सपोर्ट कीजिए, मानकर पैनल के लोगों को वोट डालिए। जब इतने लोग कर रहे हैं तो आप जीत कर आएंगे, 100% जीत कर आएंगे। हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। तो जब से जलसा शुरू है अब तक ख़त्म होने आ रहा है, पूरे इस जलसे में नाम निज़ाम का गूंज रहा है। आखिर निज़ाम से भी सुनेंगे क्या बोलना चाहते हैं, हम ही बोल रहे हैं निज़ाम वो है, निज़ाम ऐसा है। तो मैं चाहता हूं कि निज़ाम साहब भी दो अल्फाज बोलेंगे तो वोटर्स को जो है ना बोलेंगे हमारा भी आदमी कुछ बोलता है, यहां बोलने वालों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मानकर पैनल को सपोर्ट कीजिए पूरी तरीके से, पूरे 24 के 24 टीम को सपोर्ट कीजिए। मैं 8 से 10 दिन से मैं पैनल के साथ फिर रहा हूँ, पूरे पैनल वाले मेरे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो र्यूमर्स है ये सब गलत हैं। ये हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बिजनेस बॉडी है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल कुछ भी नहीं रहता, इसमें सिर्फ बिजनेस के लिए काम होता है और बिजनेस की बात होती। थोड़े लोग अपने फायदे के लिए थोड़ा उसको क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं हमारे लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसगाइड मत होजिए। ये हमारा पैनल यूथ्स और सीनियर्स का एक कंबाइंड है, दोनों लोग हैं इसमें। आप हमारे पैनल को लाइए, आपके कुछ भी काम रहा इंशाल्लाह आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं हमारे पैनल के साथ वो काम को पूरा करूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा पैनल टॉप टू बॉटम पूरे लोगों को अच्छे लीड से जिता के लाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, उमेश शेट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, आप उनको भी सुने तो बाग बाग हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि आप लोग जितने भी लोग हैं आप एक कीमत है समझा, मगर ये पैनल की आप किस्मत बदल सकते हैं। देखो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ,
उधर की पार इधर की पार कोई मायने नहीं रखते, मगर दरिया तो कोई नहीं भूलना, मेरा यही गुजारिश है। वो बच्चा दिन रात हमारे छोटे भाई दोनों दरिया को लेके चल रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज होता है हम सब मिलके उस दरिया को कामयाब के साथ ये पैनल को आप दुआ करो। आंसू ना होती तो आंखों की रोशनी ना होती, आंसू ना होती तो आंखों की रोशनी ना होती, दर्द ना होता तो खुशी का कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी का कीमत ना होती। हमेशा आप जैसे लोगों की दुआ से आज मेरे को ऊपर होने की जरूरत कभी नहीं होती। मैं सभी यहाँ पर बैठे हुए जो स्टेज पे और स्टेज के सामने बैठे सब धन्यवाद देता हूँ, और ये बात कहता हूँ कि हमारा करमत अली साहब से और रवि गुत्तेदार साहब और आरिफ शेठ से वजह से हमारा इरफान शेठ और मुजम भाई जो हमारे साथ देखे हमारे बात सुन के एक रिक्वेस्ट की वजह से हम एक पैनल को सपोर्ट करने का जो साथ दिया हमारे को बहुत ही खुशी की बात है। ये और जो भी हम कॉप करने का जो एक नॉमिनेशन करने का है पैनल में वो भी मैं हमारे पैनल चुन के आने के बाद हम उसको ज़रूर करेंगे। एक सब लोगों के साथ होना और सबको लेके जाने का मेरा एक विश्वास है और सबको लेके जाता हूँ। शुक्रिया, नमस्ते। मानकर साहब आप जो है ना इतना हमारे निज़ामुद्दीन साहब के लिए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरे वोटर्स की तरफ से हमारे मैं ये आश्वासन देता हूँ कि हमारा भी पूरा सपोर्ट आपको है, आपके पैनल को पूरा हमारी कम्युनिटी से, इंशाल्लाह ज़रूर।